हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के प्रॉस्पेरिटी बिजनेस क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये यस बैंक का एक बेस वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में, एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो, तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आपको ये वाला क्रेडिट कार्ड काम का लगे, तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, और बहुत हाई चांसेस है आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो, तो यहां पर आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 399 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहां पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस ज्वाइनिंग फीस को विवाह भी करा सकते हो। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा, उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 10,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे, तो यहां पे जो आपने इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस दिया थी 99 का, वो आपका विवाह कर दिया जाएगा। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के हम एनुअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहां पे बिल्कुल सेम है, 399 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड यहां पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस को भी विवाह करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 1,00,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे, तो यहां पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है, वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वहीं हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर फाइनेंस चार्जेस की यहां पे हम बात करें, कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे, तो यहां पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना, उसका 3.6% आपको पे करना पड़ेगा इस फाइनेंस चार्जेस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है एकदम टाइमली पे करिए, बिकॉज यहां पे जो आपको चार्जेस देने पड़े वो तो ज्यादा है ही है, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बहुत ही बुरी तरह से हैम्पर होगा। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहां पे हम बात करें, कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे, तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे ना, उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा इस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। ये जो चार्ज इस क्रेडिट कार्ड में आपको लग रहे हैं, वो थोड़े से कम है। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस होता है, वो 3.5% तक होता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में जो आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी लग रहा है, वो 2.5% है, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम कैश एडवांस फीस की यहां पे हम बात करें, कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे, तो यहां पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश एडवांस फी। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहां पे आपको चार्जेस लग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा, वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एयरलाइंस में स्पेंडिंग करोगे, होटल्स में स्पेंडिंग करोगे, डाइनिंग में स्पेंडिंग करोगे, व्हीकल रेंटल्स में स्पेंडिंग करोगे, या फिर किसी भी ट्रैवल सर्विसेज में अगर आप स्पेंडिंग करोगे, तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंट आपको मिलेंगे 8 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे इन्होंने कैपिंग लगा रखी है, कि एक मंथ में मैक्सिमम आप 1500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आप अर्न कर पाओगे इन जगहों में स्पेंडिंग करके। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इनके सिलेक्टेड कैटेगरीज में अगर आप स्पेंडिंग करोगे, तो इनका जो सिलेक्टेड कैटेगरीज में स्पेंडिंग करने पे आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो थोड़े से कम मिल रहे हैं, और इनके जो सिलेक्टेड कैटेगरीज का लिस्ट है, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, बस यही है इनके सिलेक्टेड कैटेगरीज। तो अगर आप इनके सिलेक्टेड कैटेगरीज में अगर आप स्पेंडिंग करोगे, तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंट आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें, कि इन सारी जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो, तो फॉर एवरी 200 रुपीज स्पेंट आपको मिलेंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और वही हम इस क्रेडिट कार्ड के हम रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडेम्पशन की यहां पे हम बात करें, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के भी यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहो तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके फ्लाइट के टिकट ले सकते हो, होटल्स का बुकिंग करा सकते हो, मूवी टिकट्स ले सकते हो, आप चाहो तो इनके प्रोडक्ट कैटलॉग में से प्रोडक्ट खरीद सकते हो, आप चाहो तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयरमाइंस में भी कन्वर्ट करा सकते हो। 8 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा, वो होगा 1 इंटरमाइल या फिर 1 क्लब विस्तारा पॉइंट। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहां पे हम बात करें, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलेगा। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हो, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे, तो वहां पे आपको बहुत सारी सर्विसेज है जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको सर्व किए जाएंगे, वाईफाई आप वहां पे फ्री में यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है।
हैं। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक साल में टोटल 4 बार कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की यहाँ पे बात करें तो प्रायोरिटी पास का यूज करके आप एक साल में टोटल 3 बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट जो है वो यहाँ पे आप ले पाओगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड का एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप इसको एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट्स बेनिफिट बोलो या फिर माइलस्टोन बेनिफिट बोलो, एक ही बात है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 6 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एज ए एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट दिए जाएंगे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। देखो कोई भी बैंक चाहती है कि आप उसे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतने ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेंगे। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है या फिर अगर आप गोल्फ ट्राई करना चाहते हो तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ प्रोग्राम है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1 मंथ में 1 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। तो अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है या फिर ट्राई करना चाहते हो तो इनके जो सिलेक्टेड गोल्फ कोर्सेज है वहां पे विजिट कर लो और जो कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ का जो राउंड है वो वहां पे आप अवेल कर लो। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ एट ऑल फ्यूल स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपीज से लेकर 5,000 के बीच का होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 500 रुपीज तक का। आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपीज का एयर एक्सीडेंटल डेथ कवरेज का बेनिफिट। तो मान लो अगर आप फ्लाइट में कहीं ट्रेवल कर रहे हो और भगवान ना करे आपका जो फ्लाइट है वो क्रैश हो जाए और आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में आपके फैमिली को कवरेज मिलेगा जो कि होगा अप टू 1 करोड़ का। जो नेक्स्ट इंश्योरेंस बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट। तो मान लो अगर आप इंडिया के बाहर कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आपकी तबियत खराब हो जाती है और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वहां पे एडमिट करना पड़ रहा है तो वहां पे आपको मिलेगा इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट जो कि होगा अप टू 15 लाख का। एंड जो लास्ट आपको इंश्योरेंस बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है 2.5 लाख रुपीज का क्रेडिट शील्ड कवर ऑन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ प्राइमरी कार्ड होल्डर। कार्ड के अगले बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहां पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है ना हर बार आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं ना, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड लाइफटाइम फ्री का ऑफर आए या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर्स आए, मतलब जितने भी स्पेशल चीजें होती है हम आपके लिए वहां पे अपडेट करते रहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोप्राइटर बिजनेस हो या फिर पार्टनरशिप बिजनेस हो, मतलब आपका खुद का एक बिजनेस होना चाहिए। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आप जो ITR फाइल करते हो ना वो 7.5 लाख रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।